पांच आपह आपो रेतो भूतवा शिशनम प्राविशन अर्थात जल रेत बनकर शिशन के स्थान पर बसा है। ये पांच देव इन पांच रूपों में अपने आप को ढालकर मनुष्य के देह में आकर इन स्थानों में बसी हैं। यह बात विशेष विस्तार पूर्वक ऐतरेय उपनिषद में लिखी है, वहां ही पाठक देखें। यहां जो वाक्य ऊपर लिए हैं वे ऐतरेय उपनिषद में से ही लिए हैं। इन वाक्यों के मनन से पता लगेगा कि इन देवों का शरीर में निवास कहाँ है। अब ये अर्थ लेकर पूर्वोक्त मंत्रों से अर्थ देखिए। सूक्त 19 अग्नि वाणी, हे वाणी जो तेरे अंदर तप है उस तप से उसको तृप्त कर। जो हमारा द्वेष करता है तथा जो तेरे अंदर हरण शक्ति है उससे उसी के दोष हरण कर। जो तेरे अंदर दीपन शक्ति है उससे उसी का अंतःकरण प्रकाशित कर। जो तेरे अंदर शोधक गुण है उससे उसकी शुद्धि कर। और जो तेरे अंदर तेज है उससे उसी का तेजस्वी बना। सुक्त 20 वायु प्राण, हे प्राण जो तेरे अंदर तप दोष हरण शक्ति दीपन शक्ति शोधन शक्ति और तेजन शक्ति है उन शक्तियों से उसके दोष दूर कर जो हम सबका द्वेष करता है। इसी प्रकार अन्य नए सूक्तों के विषय में जानना योग्य है। प्रत्येक की पांच शक्तियां हैं और उनसे जो शुद्धता होनी है उसके मार्ग निश्चित हैं। वह इस अर्थ से अब स्पष्ट हो चुका है। जो बाहरम देवता हैं उनके अंश हमारे अंदर विद्यमान हैं। उन अंशों को अनुकूलता प्रतिकूलता से ही मनुष्य का सुधार या असुधार होता है। यह जानकर इस रीति से अपनी शुद्धता करने का यत्न करना चाहिए तथा जो द्वेष करने वाले दुर्जन होंगे उनके सुधार का भी इसी रीति से यत्न करना योग्य है। शुद्धि की रीति पंच विध है अर्थात पांच स्थानों में शुद्धि होनी चाहिए, तब दोष युक्त मनुष्य की शुद्धता हो सकती है। इसका संक्षेप से वर्णन देखिए। पहला वाणी का तप, सबसे पहले वाणी का तप करना चाहिए। जो शुद्ध होना चाहता है या जिसके दोष दूर करने हैं उसको सबसे प्रथम वाणी का तप करना चाहिए। सत्य भाषण मौन आदि वाणी का तप प्रसिद्ध है। वाणी के अंदर जो दोष होंगे उनको भी दूर करना चाहिए। वाणी में प्रकाश या प्रसन्नता लानी चाहिए। जो बोलना है वह सावधानी से परिशुद्ध विचारों से युक्त होना चाहिए और युक्त होकर ही बोलना चाहिए। इस प्रकार वाणी की शुद्धता करने का यत्न करने से वाणी का तेज अर्थात प्रभाव बहुत बढ़ जाता है और हर एक मनुष्य उसके शब्द सुनने के लिए उत्सुक हो जाता है। दूसरा प्राण का तप अर्थात प्राणायाम से प्राण का तप होता है। जिस प्रकार धोकनी से वायु देने से अग्नि का दीपन होता है उसी प्रकार प्राणायाम से शरीर के नस नाड़ियों की शुद्धता होकर तेज बढ़ जाता है। शरीर के दोष दूर हो जाते हैं, प्रकाश बढ़ता है, शोधन होता है और तेजस्विता भी बढ़ जाती है। इस अनुष्ठान से मनुष्य निर्दोष होता है। तीन आँख का तप, आँख द्वारा दुष्ट भाव से किसी और ना देखना और मंगल भावना से ही अपनी दृष्टि का उपयोग करने का नेत्र का तप है। पाठक यहाँ विचार करें कि अपने आँख से किस प्रकार पाप होते रहते हैं और किस प्रकार पतन होता है, इससे बचने का यत्न हर एक को करना चाहिए। इसी प्रकार अन्य नए इंद्रियों को संयम करना भी तप है। जो मनुष्य की शुद्धता कर सकता है अपने इंद्रियों को बुरे पथ से हटाना और अच्छे पथ पर चलाना बड़ा महत्वपूर्ण तप है। इसी से दोष हटते हैं, शोधन होता है और तेज भी बढ़ता है। चौथा मन का तप, सत्य पालन करना मन का तप है। बुरे विचारों का मन से हटाना भी तप है। इस प्रकार के मन के तप दूर करने से मन के दोष दूर हो जाते हैं, मन पवित्र होता है और शुद्ध होकर तेजस्वी होता है। पांच वीर्य का तप अर्थात ब्रह्मचर्य शिशन इंद्रिय का वीर्य का अथवा काम का तप ब्रह्मचर्य नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्मचर्य से सब अपमृत्यु दूर होते हैं और अनंत प्रकार के लाभ होते हैं।
रोगादि भय दूर होते हैं और निसर्ग का आरोग्य मिलता है। ब्रह्मचर्य के विषय में सब लोग जानते ही हैं, इसीलिए इसके संबंध में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मचर्य सब प्रकार से मनुष्य मात्र के उद्धार का हेतु है। अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, आप, इन देवों के आश्रय से मनुष्य की शुद्धि होने का मार्ग यह है। प्रत्येक देवता की 5 शक्तियों से मनुष्य के दोष हट जाते और उसमें गुण बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार क्रमशः मनुष्य शुद्ध होता हुआ उन्नत होता जाता है। द्वेष करना, इन सूक्तों के प्रत्येक मंत्र में कहा है कि जो द्वेष करता है उसकी शुद्धता तप आदि द्वारा करनी चाहिए। दूसरों का द्वेष करना इतना बुरा है, इससे अधिक बुरा और कोई कार्य नहीं है। यह सबसे बड़ा भारी पतन का साधन है। आजकल अखबारों और मासिकों में देखिए, दूसरों का द्वेष अधिक लिखा जाता है और उन्नति का सच्चा मार्ग क्रम लिखा जाता है। 2-4 मित्र इकट्ठे बैठें या मिलें तो उनकी जो बातचीत शुरू होती है वह भी किसी आत्मोन्नति के विषय पर नहीं होती, परंतु किसी न किसी की निंदा ही होती है। पाठक अपने अनुभव का भी विचार करेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि मनुष्य जितना कुछ बोलता है उनमें से बहुत सा भाग दूसरे की निंदा या दूसरे का द्वेष होता है। मनुष्य के अवनीति का यह प्रधान कारण है। यदि मनुष्य यह द्वेष करना छोड़ दे तो उसका कितना कल्याण हो सकता है। परंतु दूसरे का द्वेष करना बड़ा प्रिय और रोचक लगता है, इसीलिए मनुष्य द्वेष ही करता जाता है और गिरता जाता है। इसीलिए इन 5 सूक्तों के प्रत्येक मंत्र द्वारा उपदेश दिया है कि जो द्वेष करता है उसकी शुद्धि तप आदि से होनी चाहिए, क्योंकि सबसे अशुद्ध यदि कोई मनुष्य होगा तो दूसरों का द्वेष करने वाला ही है। यह स्वयं भी गिरता है और दूसरों को भी गिराता है। मन जिनका चिंतन करता है वैसा मनता है, यह मन का धर्म है। पाठक इसका स्मरण करें, जो लोग दूसरों का द्वेष करते हैं वे दूसरों के दुर्गुणों का निरंतर मनन करते हैं। इस कारण प्रतिदिन इनके मन में दुर्गुणों की संख्या बढ़ती रहती है, किसी कारण भी वह कम नहीं होती। पाठक विचार करें कि मन ही मनुष्य की अवस्था निश्चित करता है। जैसा मन वैसा मानव, यह नियम अटल है। अब देखिए, जो मनुष्य दूसरों के दुर्गुणों को निरंतर मनन करता है उसका मन दुर्गुणमय बन जाता है, अतः निंदक मनुष्य दिन ब दिन गिरता जाता है। इसीलिए द्वेष करने वाले को पश्चाताप आदि तप अवश्य करना चाहिए और अपनी शुद्धि करनी चाहिए, तथा आगे के लिए निंदा व्रति छोड़नी भी चाहिए। अन्यथा धोए हुए कपड़ों को फिर कीचड़ में फेंकने के समान दुरावस्था का सुधार हो ही नहीं सकता। पाठक इन सब बातों का विचार करके अपनी परीक्षा करें और अपनी पवित्रता करने द्वारा अपने सुधार का मार्ग आक्रमण करें। जो धर्म में नव प्रविष्ट या शुद्ध हुए मनुष्य होंगे उनकी सचमुच शुद्धि करने का अनुष्ठान भी इन सूक्तों के मनन से ज्ञात हो सकता है। नव प्रविष्टों की इस प्रकार अनुष्ठान द्वारा सच्ची शुद्धि करने का मार्ग उनके लिए खुला होने से ही उनकी सच्ची उन्नति हो सकती है और वैदिक धर्म की विशेषता भी उनके मन में स्थिर हो सकती है। पाठक इन सब बातों का विशेष विचार करें और इन वैदिक आदेशों से लाभ उठावें।